आप सभी का स्वागत है ब्लैक क्लू गेमिंग में। आज मैं बात करने वाला हूँ पबजी मोबाइल के बारे में, जिसकी मैं ट्यूटोरियल दूंगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है और गेम के जो मेन मिशन होते हैं वो क्या होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो पबजी गेम है पिछले साल रिलीज हुआ था 2017 में मार्च में, लेकिन वो पीसी के लिए रिलीज हुआ था। लेकिन अभी जो इसका क्रेज है वो मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जब से ये मोबाइल के लिए रिलीज हुआ है। तो मोबाइल के जो कंट्रोल है वो काफ़ी मुश्किल होते हैं समझने, जो ऑप्शन आते हैं डैशबोर्ड पर वो समझने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है और कैसे करना है ताकि आप इस गेम को अच्छी तरह से खेल पाओ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो ये गेम होता है, इस गेम में आपको करना ये होता है कि आपको एक आइलैंड पर उतार दिया जाता है और वहाँ पर आपको जो सबसे पहला काम होता है वो है कि आपको एक गन ढूंढनी पड़ती है, कोई से भी गन ढूंढ लो, और गन के साथ जो गोलियाँ वगैरह आपको खाना वगैरह सब कुछ ढूंढना पड़ता है। आपको जितनी सुरक्षा चाहिए उसके लिए आपको हेलमेट और जैकेट वगैरह ढूंढनी पड़ती है। उसके बाद आपको जो 100 लोग होते हैं उन 100 लोग में से खुद जिंदा रहना पड़ता है, उन सभी को मारना पड़ता है। तो यही इसका गेम प्ले है, आपको 100 लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है और वहीं पर आपको नंबर वन पे आना पड़ता है। और इस गेम में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब इसमें एक ट्विस्ट आता है, जो कि होता है एक सर्कल, जो एक सेफ्टी जोन होता है और आपको सिर्फ उसी के अंदर रहना होता है। अगर आप बाहर रहोगे तो आप मर जाओगे, क्योंकि वहाँ से किसी तरह की गैस आती है जो आपको मार देगी। तो उससे बच के आपको उसी सेफ जोन में रहना पड़ता है। जो एक वाइट कलर का सर्कल होता है वो आप मैप पे क्लिक करके देख सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, जो आता है सबसे पहला पेज, और इसमें सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आता है जिसमें से एक गेस्ट होता है और फेसबुक होता है, और मोर में आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन जो गेस्ट होता है, गेस्ट में आप जब भी जाओगे आप एक नए नाम से नए सर्वर में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जो दूसरे ऑप्शन होते हैं वहाँ पर आप अपना डेटा सेव कर सकते हो ताकि आप अपने दूसरे डिवाइस या कभी फ्यूचर में आप खेलना चाहो तो आप लॉगिन करके खेल सकते हो। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है फेसबुक का। फेसबुक का ऑप्शन सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि जब भी आप इससे लॉगिन करते हो तो जो आपके फेसबुक के फ्रेंड होते हैं वो भी आपको शो हो जाएंगे कि कौन कौन आपके फ्रेंड खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक से कनेक्ट होना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा जो अभी आप सामने देख रहे हो, जहां आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, छोटे छोटे जो बटन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये टॉप लेफ्ट वाला एरिया है जहां पर आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है। तो इन सारे ऑप्शन को हम वन बाय वन देखेंगे। और जो सबसे पहला ऑप्शन है, एक सर्वर का ऑप्शन है जहां पर आपको अपना सर्वर सिलेक्ट करना होता है कि आप किन लोगों के साथ खेलना चाहते हो। जैसे कि मैंने एशिया किया हुआ है, तो जो एशिया में लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ मैं खेल पाऊंगा, खास करके जो इंडियंस है इंडियंस के साथ मैं ज़्यादा खेल पाऊंगा, तो इसलिए मैंने एशिया सिलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसे सेट करना होता है कि आपको कौन से सर्वर में खेलना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एशिया के सर्वर में खेलो, इसमें जो गेम प्ले होता है वो स्मूथ होता है क्योंकि जो हमारे एरिया है वो एशिया में आता है इसलिए। और जो दूसरा ऑप्शन आप ये देख रहे हो जहाँ TPP और FPP लिखा हुआ है, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है जो सिलेक्टेड है, इसमें जो आपका प्लेयर होगा वो आपको दिखता रहेगा प्लेयर। और जो दूसरा है वो एक FPS की तरह होता है, मतलब कि जो आपका फर्स्ट प्लेयर होता है वही शूटर होता है। तो आपके सिर्फ हाथ दिखते हैं और बंदूक दिखती है और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ स्क्रीन दिखती है और आपके हाथ दिखते हैं दूसरे ऑप्शन में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप TPP करके खेलो, और अगर आप स्नाइपिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए बेस्ट है FPP। और जो अगला ऑप्शन है जहाँ क्लासिक देख रहे हो लिखा हुआ, इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक क्लासिक मिल रहा है एक आर्केड मिल रहा है। जब आप क्लासिक करते हो तो इसका जो मेन गेम प्ले है वो आप खेल पाओगे, जिसमें आपको करना होता है कि आपको एक मैप पे लैंड कर दिया जाता है और वहाँ आपको दो प्लेयर के बीच में रहना पड़ता है और उन्हीं को मार के आपको फर्स्ट पे आना पड़ता है। तो क्लासिक में इतना ही होता है, और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है क्लासिक के अंदर जब हम खेलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो आर्केड होता है, आर्केड में छोटे छोटे गेम्स होते हैं जो होते सेम क्लासिक की तरह है, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे गेम होते हैं, इसको आप क्लासिक करके खेलोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो अगला ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है ऑप्शन कि आपको किस तरीके से गेम को खेलना है, मतलब कि आपको अकेले खेलना है या दो के साथ खेलना है या चार लोगों के साथ खेलना है। तो जब आप सोलो पे सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप अकेले खेलोगे गेम को, और जब डुओ पे सिलेक्ट करते हो तो डुओ पे आपको दो प्लेयर मिलते हैं खेलने के लिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उस फ्रेंड को ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करते हैं, या उसको इनवाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो जो यहाँ आप एक ये वाला बटन देख रहे हो ऑटो मैचिंग, इस बटन को आप इनेबल कर दो और जितने के साथ खेलना चाहते हो आप, दो के साथ या चार के साथ, वो सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट कर देना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो टीम है वो अपने आप ही बन के आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि जो आपकी टीम बनने वाली है अगर उसमें आपके प्लेयर कम पड़ रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड है आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो अपनी टीम में, तो वहाँ पर अगर कम पड़ रहे हैं तो आप ऑटो मैचिंग को इनेबल कर दो। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी बचे हुए प्लेयर होंगे वो अपने आप ही ऑटो सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। जैसे कि आपने स्क्वाड सिलेक्ट किया हुआ है
और आपके पास दो फ्रेंड है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, आपको एक बंदा और चाहिए तो ऑटो मैचिंग पे करके आपको स्टार्ट कर देना है। वो जो एक बंदा होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये मैप का ऑप्शन होता है, आप दोनों मैप सेलेक्ट कर सकते हो या सिंगल मैप सेलेक्ट कर सकते हो, आप जो भी मैप चाहो वो सिलेक्ट करके खेल सकते हो। तो अब बात करते हैं बॉटम लेफ्ट की, जो ये वाले आप ऑप्शन देख रहे हो, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो इन्वाइट का होता है, जिसमें आप डायरेक्ट अपने मैसेंजर और SMS से इन्वाइट कर सकते हो। और जो दूसरा ऑप्शन देख रहे हो वो एक ट्रेनिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ट्रेनिंग सेक्शन में चले जाओगे और वहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी ट्रेनिंग कर सकते हो। आपको अगर बंदूक चलाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप उसकी ट्रेनिंग कर सकते हो, और बम फेंकने की ट्रेनिंग, वो सभी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें ट्रेनिंग में। और जो आप यहाँ तीसरा बटन देख रहे हो, तीसरा बटन एक रूम का है। रूम का मतलब होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं, अगर आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हो, जो 100 मेंबर की एक टीम होती है आप वो भी एक बना सकते हो यहाँ पर रूम। जो यहाँ पर आप क्रिएट बटन देख रहे हो वहाँ से आप रूम बना सकते हो, अगर किसी दूसरे के रूम में जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। ग्रुप होता है या आप दूसरे गेम खेलते हो जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस है, वहाँ पे आपको क्लैन मिलता है, वैसे ही ये रूम होता है, लेकिन ये 100 मेंबर का रूम होता है। तो आप इसको बना सकते हो अगर आपके पास इतने सारे मेंबर है, कम भी है तब भी आप बना सकते हो, तो उनके साथ भी आप खेल सकते हो। और जो चौथा ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारी गन्स है जिनके बारे में आपको नहीं पता है, आप हर एक गन के बारे में यहाँ से जान सकते हो कि किस गन में कौन सी गोलियाँ लगेगी और उसमें कौन सा स्कोप लगेगा, कहाँ तक उसमें स्कोप लग सकता है और क्या क्या चीज़ें लगेगी उसमें, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। और जो उसकी पावर है और जो रेंज है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास गन है वो कितनी पावरफुल है। इसके बाद जो अगले ऑप्शन है, यहाँ पर आप फ्रेंड बना सकते हो और अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला बटन है वो फ्रेंड का है, जहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आपके फेसबुक फ्रेंड कौन कौन से है, और दूसरे ऑप्शन में गेम के फ्रेंड कौन कौन से, जो आप गेम में सर्च करके फ्रेंड बने हैं वो कौन कौन से है, और जो नीचे आपको बटन दिखेगा रिक्वेस्ट लिस्ट का, यहाँ आप देख पाओगे कि आपको किस किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर सको। और जो लास्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप फ्रेंड को सर्च कर सकते हो, आपको बस फ्रेंड की आईडी डालनी है और सर्च कर देना है, तो आपको फ्रेंड मिल जाएगा, उसको आप ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड लिस्ट के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है जो इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन होता है, यहाँ आपको पता चलता है कि आपके जो फ्रेंड है वो कौन गेम खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, और जो गेम खेल रहा है उसको आप इनवाइट कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्लस का बटन दिख जाएगा, जब भी आप प्लस बटन पर क्लिक करोगे तो उस पर इन्विटेशन जाएगा, और बस वो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको कोई क्लिक करता है तो यहाँ पर आपको इन्वाइट का बटन आ जाएगा, एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का, तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो उसकी टीम में चले जाओगे, अगर आप अपनी टीम बनाना चाहते हो तो यहाँ से इनवाइट कर सकते हो किसी को। और जो मिडल में आप ऑप्शन देख रहे हो ये चैटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके आप चैटिंग कर सकते हो। और अब बात करते हैं राइट बॉटम की, तो राइट बॉटम में एक ऑप्शन होता है ये वाला, ये आपको खेलते वक्त भी मिलेगा, जो इमोजी की तरह होता है, जब भी आप क्लिक करते हो तो वही चीज़ आपका प्लेयर करता है। और इसमें जो सबसे खास चीज़ है वो है मिशन, आपको मिशन खोलना होता है और यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि आपके कौन कौन से मिशन है अभी, क्योंकि जैसे ही आप मिशन पूरे करोगे, कंप्लीट करोगे, तो आपको जो ऊपर बॉक्सेस दिख रहे हैं वो आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी जो आपके काम आएगी, तो इनको आपको देखना पड़ता है, और देखने के बाद जब आप इनको कंप्लीट कर लेते हो तो इनको कलेक्ट करना होता है, और इसी से आपका जो लेवल है वो भी जल्दी जल्दी अप होगा। और जो अगला है वो है इवेंट, जो कुछ मिशन की तरह होता है, लेकिन इसमें लिमिटेड होते हैं सब कुछ, जो भी मिशन आता है वो लिमिटेड होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होता है कि कभी आएगा इवेंट और आपको इसको पूरा करना होता है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। तो जैसे ही आप मैच को स्टार्ट कर देते हो आपको लोडिंग दिखाई देगी, और लोडिंग के बाद आप जाओगे लॉबी, और लॉबी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारे प्लेयर आपको दिख जाएंगे, जो भी 100 प्लेयर होते हैं खेलने वाले होते हैं वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे मैंने अभी लॉबी में गया हूँ तो यहाँ वो सारे 100 प्लेयर्स होंगे जिनके साथ मुझे खेलना है, जिनको मारना है मुझे, वो सारे यहाँ दिख जाएंगे। और देखिए मैंने स्क्वाड सिलेक्ट किया था ऑटो मैचिंग के साथ, तो मेरे जो टीम है वो अपने आप ही बन गई है, जिसमें मैं 3rd नंबर पर हूँ। और किसी ने अभी मुझे इन्वाइट किया था, वो मुझे इन्वाइट इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता है कि जहाँ वो पैराशूट खोलेगा अपना, वहीं मैं भी उतरूँ उसी के साथ साथ। तो 2 प्लेयर ने नंबर 2 को फॉलो किया है, और जैसे ही मैच शुरू होगा आपको एक प्लेन दिखेगा और यहाँ आपको मैप दिखेगा कि आपको कहाँ उतरना, आप अपनी लोकेशन वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो यहाँ से। तो अभी तो मैंने फॉलो किया हुआ है, इसलिए जो भी नंबर 2 वाला प्लेयर कर रहा है वही मैं भी करूँगा। तो यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट में देख रहे हो, यहाँ मेरी टीम है, 4 लोगों की टीम है, और ऊपर बताया गया है कि कितने लोग अभी जिंदा है और कितने मरे हैं। तो 98 लोग अभी जिंदा और मैंने जो मारे हैं वो 0 मारे हैं। और इस साइड में आपको आपके नेटवर्क वगैरह दिख जाएंगे, और जो बीच वाला ऑप्शन है यहाँ आपको दिखता है कि जो लोकेशन है वो किस तरफ देख रहे हो,
तो सबसे पहले आपको इसमें गन ढूंढनी पड़ती है, उसके लिए आपको घर में जाना पड़ता है। कहीं भी जाओ आपको सिर्फ गन ढूंढनी पड़ती है, और जब भी आप पे फायरिंग होती है तो यहाँ मैप में आपको एक ब्लड जैसा कुछ दिखेगा और उसी तरफ आपको देखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो फायरिंग है वो कहाँ से हो रही है। तो जो ये माइक वाला ऑप्शन है इसको आप ऑन कर सकते हो, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑल का, मतलब कि जो 98 लोग हैं वो सारी आपकी आवाज़ सुन सके, और दूसरा ऑप्शन टीम का है ताकि जो आपकी आवाज़ है वो सिर्फ टीम को सुनाई दे, और जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये स्पीकर का है कि आपको किस किस की आवाज़ सुननी है। और दूसरा आपको यहाँ बैकपैक मिलता है, अगर आपको कोई बीच में बैग मिलता है तो जो आपकी क्वांटिटी है बैग की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ताकि आप ज़्यादा सामान रख सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सी गन है, आपके पास क्या क्या सामान है, ताकि आप उसको गन में लगा सको या किसी को दे सको। अगर किसी को देना चाहते हो तो सामान उठाकर आपको ऐसे बाहर फेंकना होता है तो वो सामान बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे हेल्थ के और एनर्जी ड्रिंक वगैरह। और अगला ऑप्शन यहाँ आपको गन का ऑप्शन मिल जाता है, जो दो गन आपके पास रहती है वो दोनों गन आपको दी जाती है। वैसे तो यहाँ तीन गन होती है, लेकिन जो दो गन होती है मेन आपको वो यहाँ दिखेगी। और जब भी आप पे गोली लगे तो आपको ऐसा ब्लड जैसा दिख जाएगा कुछ, जो भी आप सामने देखा था आपने अभी। तो जब भी आप पर गोली चलेगी या किसी पर गोली चलेगी तो उसको आप मैप में देख सकते हो, देखिए कुछ ब्लड जैसा ऐसा दिखेगा जो अभी दिख रहा है, तो उस तरफ आपको भागना है और गोलियां चलानी है। अभी देखिए मेरी तरफ चारों तरफ से गोली आ रही है, तो मैं लेट जाऊंगा ताकि कोई मुझ पर अटैक ना कर सके। ये देखिए सामने ही है, तो मारना है इसको फटाफट, और मार दिया है। और मारने के बाद आपको जो बॉक्स मिलेगा उसके पास जाना है, उसकी चीज़ें लूट लेनी है, उसमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो ताकि वो आपके काम आए। इसके अलावा आपको ये वाला भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, जहाँ आप क्लिक करके इसको भगा सकते हो, तो आप इस तरीके से स्प्रिंट कर सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो अपने आसपास का तो इस वाले बटन से आप देख सकते हो ताकि आपके आसपास कुछ दिख सके। देखिए जो मेरा टीम मेंबर है वो मेरे साथ साथ आ रहा है। और अगर आप चैट में बात करना चाहते हो तो आप यहाँ से चैट में बात कर सकते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ से चैट में लिख सकते हो ताकि आपकी टीम को पता चल सके। तो ये थे कुछ बेसिक जो आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और जो पबजी की दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बेसिक था ताकि आप कंट्रोल वगैरह समझ जाओ कि किस तरीके से गेम खेलना होता है और इस गेम में करना क्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस गेम को खेलना है, और जो भी इस गेम के एडवांस फीचर्स होंगे मैं उसको अगले भाग में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले नए एपिसोड में।